अब खबरें विस्तार से। दुनिया के शीर्ष प्रबंधन संस्थाओं में शुमार जमशेदपुर XLRI के द्वितीय वर्ष का छात्र शाश्वत दीक्षित की मौत ने प्रबंधन और प्रशासन दोनों को सकते में डाल दिया है। मौत की जांच फॉरेंसिक विभाग की टीम कर रही है। इसके लिए सिटी SP प्रभात कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। XLRI प्रबंधन का मानना है कि छात्र की मौत ऊंचाई से गिरने से हुई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। उधर मृतक के परिजन मुंबई से शहर के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि XLRI में लड़का काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी उसकी, और TMS ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो उसी में हम लोग इसको अच्छे से जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी आई है, हमारी टेक्निकल टीम भी आई है, पूरा थोड़ा एनालिसिस किया जा रहा है कैसे क्या घटना कैसे हुई। परिवार को सूचना मिल गई है, देर ऑन दी वे। डुमरिया प्रखंड से आए ग्रामीणों ने क्षेत्र में बन रहे डैम का विरोध करते हुए उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का नेतृत्व सगेन पूर्ति कर रहे थे। उनका कहना है कि डैम से करीब 14 मौजा के लोग विस्थापित हो जाएंगे, जो उन्हें हरगिज मंजूर नहीं है। अंतर्गत डोलाबेड़ा में जो विरत डैम का निर्माण हो रहा है, वहाँ न कि ग्रामीण को पता है, न ग्राम सभा को पता है, न जिसका खेत जारी है उनको पता है। इसलिए वहाँ के ग्रामीण भयभीत में है, और इसलिए हम लोग DC महोदय से मांग करने आए हैं कि वहाँ पर डैम का निर्माण नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को शहर से चिन्हित कर बाहर निकालने की मांग हिंदू एकता मंच ने की है। विगत दिनों आपने देखा होगा कि बर्मा माइंस में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास हुआ, वहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ा। और जब इस जांच का एक विषय है कारण कि यदि शहर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है तो इसके पीछे घुसपैठी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्यों मुसलमानों की उपस्थिति। महागठबंधन में अभी तक नेतृत्व को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुआ है। JVM के महासचिव अभय सिंह ने प्रेस वार्ता बुलाकर कहा कि अभी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा इस पर फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन को लेकर सभी दल के लोग वहां पहुंचे थे, जिसमें हमारे नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी और उनके साथ अधिकृत रूप से मैं भी उस बैठक में शामिल था। बैठक में जो बातें स्पष्ट हुई हैं उससे तथ्य से हट करके आज के अखबारों में आया, महागठबंधन हो इसके लिए सभी दल के लोग व्यापसी सहमति हो चुकी है। भाजपा के विरुद्ध एक मजबूत ताकत के साथ गठबंधन करके लोकसभा हो या विधानसभा हो, उस पर सभी मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन आज के अखबारों में जो एक विषय आया है उसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तथ्य को तोड़ और मरोड़ करके पेश किया गया है। किनके नेतृत्व में चुनाव होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। झारखंड का कि नेतृत्व में कौन नेता होगा यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अब बिना हेलमेट दो चक्के वाहन चलाने वालों के घरों में यातायात पुलिस द्वारा चालान भेजा जा रहा है, उन्हें CCTV के जरिए चिन्हित किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले और हेलमेट के बिना वाहन चलाने वालों को जिला यातायात पुलिस CCTV फुटेज द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और सीधे उनके घरों में चालान भेजा जा रहा है। आपको बताते चले कि पूरे शहर में कुल 170 कैमरे लगे हैं। उन कैमरों की जद में आने वाले वैसे चालकों के रजिस्ट्रेशन नंबर और घर के पते पर चालान भेज दिया जा रहा है। बहुत फायदा होता है, बहुत जन का जान बचता है। अभी अभी हम सुने कि काफी एक आदमी हेलमेट पहना था तो उसके कारण मैंने कि गाड़ी चढ़ गया सर पे, मगर वो बच गया हेलमेट के कारण। और बहुत अच्छा चीज है जो भी प्रशासन कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है और करते रहना चाहिए। और जो हेलमेट नहीं पहनेगा एकदम जुर्माना होना चाहिए, जुर्माना हो ताकि सब सुधरे, सबको ध्यान है कि हेलमेट पहनना चाहिए।
अभी हम उसके बावजूद अभी 100% अभी जो ट्रैफिक नियम का अनुपालन करने में लोग सक्षम नहीं हुए हैं, तो उसके बाद अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि शहर पूरे शहर में 170 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उस सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो लोग ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करते हैं उनका फ़ोटो कैप्चर करके उनके गाड़ी का नंबर लेकर के और उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे उनको चालान भेजा जाता है। कदमा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा समर्थित युवा शक्ति संस्था के सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनका स्वागत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने फूलमाला पहनाकर किया। भाजपा समर्थित युवा शक्ति संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस में शामिल होते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। संस्था के प्रेम राय ने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। हुआ सब बन्ना भी कई दिन और उन्हीं का बहुत सारा काम था जो बीजेपी वाले लोग किए, लेकिन उनका बीजेपी वाले से पूरा त्रस्त हो गया है जनता, और हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस के लिए कुछ करे, बन्ना भैया के लिए कुछ करे। बन्ना भैया बहुत अच्छा काम किए थे, इसलिए हम लोग 4 साल बाद भी बन्ना भैया का साथ नहीं छोड़े। और खासकर मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं जो आपने इतना कीमती समय दिया। दोस्तों, प्रेम राय जी ने कुछ सच्ची दायित्वों के साथ समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनको ये जरूर एहसास हो रहा है कि जो वर्तमान सरकार है ये सरकार सामाजिक दायित्वों के प्रति कहीं पर भी खरा नहीं उतर रही है, और यही कारण है कि आज युवा शक्ति की सारी टीम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ी हुई है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये विश्वास देता हूं कि आपको हम जरूर कांग्रेस के उस परिवार में एक सदस्य के रूप में मान्यता देंगे जो हमेशा दुख सुख के साथी के रूप में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगा। पुराना कोट के पास शुक्रवार को एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि चालक नशे में धुत था और ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर में चढ़कर पलट गया। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, पर सड़क जाम की नौबत आ गई, वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया। द्वारा सूचना मिला कि एक डंपर नियंत्रण खो गया था जो रेलिंग पर चढ़ गया था, और चढ़ जाने के बाद में ड्राइवर छोड़ के भाग गया, उसको गाड़ी क्रेन से खींच के हम लोग साक्षी थाना।